जुनून और जज्बे से रातों रात इंटरनेट मीडिया की सुर्खियां बनकर लाखों लोगों के दिलों में उतरने वाले उत्तराखंड के लाल प्रदीप मेहरा की मदद के लिए अब लोग सामने आने लगे हैं। मददगारों में प्रमुख नाम सामने आया है, वो है सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कहे जाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। जनरल दुआ ने प्रदीप की मदद के लिए माऊ रेजिमेंट के कर्नल पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता से बात की है, जिससे प्रदीप का भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा हो सकेगा। वही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने फिल्म निर्माता विनोद काबरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदीप का जज्बा प्रशंसनीय है, उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती परीक्षा पास करने में उनकी मदद के लिए मैंने कुमाऊ रेजिमेंट के कर्नल और पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता के साथ बातचीत की है। वह अपनी रेजिमेंट में भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व पत्रकार और फिल्म निर्माता विनोद काबरी ने 19 मार्च की रात 12 बजे नोएडा की सड़क पर पीठ पर बैग लेकर दौड़ लगाते हुए एक बच्चे का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें वह बच्चे के साथ बातचीत करते हुए ड्राइव कर रहे थे। वह गाड़ी धीरे कर उसे लिफ्ट ऑफर कर रहे थे, लेकिन वह मना कर देता है। प्रदीप ने बताया कि सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, उसे सुबह के साथ तैयारी का मौका नहीं मिलता, इसीलिए वह रात में इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करता है। वीडियो ट्विटर पर शेयर होते ही लाखों लोगों ने उसे देखा और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। उसके बाद से ही प्रदीप मेहरा सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए है। बाकी दोस्तों, क्या जो प्रदीप मेहरा है वो क्या इंडियन आर्मी में भर्ती हो पाएंगे या फिर नहीं, और जो सतीश दुआ ने कहा है क्या वो बहुत जल्द प्रदीप के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।